मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा प्रदेश में होम स्टे संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्यशाला का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर में किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर के सहयोग से किया जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा प्रदेश में होम स्टे संस्कृति के प्रचार प्रसार, पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति परिवेश का अनुभव प्रदान करवाने, प्रदेश में निजी क्षेत्र की सहभागिता से आवासीय कक्षों की संख्या में वृद्धि करवाने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करने हेतु होम स्टे स्थापना का संचालन किया जा रहा है। हितधारकों एवं बाजार के अनुरूप 3 नवीन योजनाओं यथा बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना, फार्म स्टे स्थापना योजना, ग्राम स्टे स्थापना योजना को लागू किया गया है। वर्तमान परिदृश्य में कोरोना के प्रभाव के कारण होम स्टे की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए होम स्टे संबंधी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं निजी क्षेत्र के हितधारकों को योजना से जोड़कर स्थानीय स्तर रोजगार के नवीन अवसर प्रदान करने के लिए 11 दिसंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर में सुबह 11 बजे से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में नवीन पंजीयन हेतु इच्छुक निजी क्षेत्र के ऐसे हितधारक जो अपने आवास के अतिरिक्त कक्षों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराना चाहते हैं, अपने आवास को पर्यटकों हेतु ठहरने के लिए प्रदान करना चाहते हों, या ग्वालियर के समीप फार्म हाउस या ग्रामीण परिवेश के घरों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराना चाहते हों, टूर ट्रेवल्स एसोसिएशन प्रतिनिधि, होटल एसोसिएशन में प्रतिनिधि एवं जमीन स्तर पर कार्यरत शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। उक्त कार्यशाला में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल के प्रतिनिधियों द्वारा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने पश्चात अगले दिन इच्छुक हितधारकों के नवीन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र भरने संबंधी कार्रवाई शुरू होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।